सोशल चेंज इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्टोशल चेंज बिकॉज सोशल चेंज इनवॉल ऑर्डर सोसाइटी इट मे इंक्लूड चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन्स सोशल बिहेवियर्स और सोशल रिलेशन्स सोशल चेंज से क्या मुराद है सोशल चेंज से ये मुराद है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल लाइफ हैं सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर हाउ इट दे कैन बी चेंजड सम चेंज जो है वो पॉजिटिव होती है समटाइम्स वो चेंज जो है वो नेगेटिव भी होती है ये चेंज जो है इट कैन बी इन्वॉल्व द सोशल इंस्टीट्यूशंस सोशल बिहेवियर्स और समाइम्स द ओवरऑल सोशल रिलेशन द नेचर ऑफ सोशल रिलेशन तो सोशल चेंज इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी जगह पर रहने वाले अफ़राद के दरमियान टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट इतने पीक पर चला जाता है कि वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ की जो प्रैक्टिस हैं उनको ऑल्टर किया जाए समल स्ट्रेन डेप्रिवे कल्चरल कल्चरल रिफॉर्मेशन इट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सोशल चेंज और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट मोसे समझ सकते हैं कि, कि किसी जगह पर रहने वाले अफराद के दरमियान उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिस थी उनका आपस में क्लैश हो गया मस मेजॉरिटी एक नुक़ नज़र से ताल्लुक़ रखने वाली है जो फॉलो करती है कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस को वहाँ पर माइनॉरिटी कोई और है अब वो जो इनसेटी इन द माइनॉरिटी है कि किसी वक्त वो क्लैश बन जाता है और कॉन्फ्लिक्ट राइज करता है लेकिन किसी वक्त मेजॉरिटी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो जाती है कि उसकी वजह से मेजॉरिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो ये प्रैक्टिसेस मुख्तलिफ माशरों के अंदर मुख्तलफ तरह से मौजूद रहती हैं अगेन सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन क्लास कास्ट जेंडर एथिसिटी इस्टेट बहुत सारे फैक्टर्स हैं किसी किसी जगह पर अफराद के दरमियान जायदाद के तनाज़ात हो जाते हैं किसी वक़्त उनकी जो इकनॉमिक क्लास सिस्टम है उसकी वजह से एथनिक लॉयलिटीज की वजह से कास्ट सिस्टम की वजह से मुख्तलि से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमिया कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं तो ये सब के सब इख्तलाफात जो हैं ये बुनियाद बन जाते हैं सोशल चेंज की देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल इशूज दोज कैन रेज द नेचर ऑफ़ कॉन्फ्लिक्ट और दो कैन कॉज द कॉन्फ्लिक्ट इन दोसाइटी पावर्टी एंड होमलेसनेस हम सब जानते हैं कि पावर्टी या गुरबत जो है ये बहुत ही अहम फैक्टर है पूरी दुनिया के अंदर इंसानों के रवैयों को डिटरमिन करने के लिए क्योंकि अगर कोई फ़र्द जो है उसकी आमदनी कम है उसको ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हासिल नहीं है या वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ नहीं गुजार पा रहा और उसके पास इतने जराए भी मौजूद नहीं हैं कि वो किसी जगह पर अपने लिए शेल्टर बना सके अपना घर बना सके ये वो फैक्टर होता है जिससे अफराद के अंदर भी अफराद के ग्रोहों के माँ बहन भी ऐसा रवैया जन्म लेता है कि दूसरों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है फिर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज अब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा फैक्टर बनता जा रहा है कि इसकी वजह से भी लोगों को अपने इलाकों से माइग्रेट करके दूसरी जगह पर जाना पड़ता है और ड्यू टू द रीज़न ऑफ क्लाइमेट चेंज समाइम्स अ मोर वार्मर वेदर sometimes a colder weather it can cause the tension between the people of some specific area and even nowadays at the world level climate change issue is causing a serious nature of conflict so the overpopulation sometimes in some areas some uh, in even in urban centers due to the overpopulation the basic facilities दे आर नॉट अवेलेबल फ़ॉर द मेजोरिटी ऑफ द पीपल यानी आपने शहर बसाए एक लिमिटेड पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर डेमोग्राफी चेंज हो गई और उस डेमोग्राफी की चेंज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन अब वो फैसिलिटीज़ लोगों के हिस्से में नहीं आ रही हैं मसलन हॉस्पिटल्स का नंबर है कॉलेजेस हैं उसके अलावा जॉब की नेचर है ये सब चीज़ें हर फर्द को चाहिए ना तो अगर ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोगों को बेसिक नेसेसटीज़ अवेलेबल नहीं है लोगों के पास रिसोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है देन डेफिनेटली इट कैन कॉज अ सीरियस चैलेंज विदिन द एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम सो द इमिग्रेशन स्ट्रेस कई दफ़ा लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं हालांकि वो मूवमेंट विद प्लानिंग होती है बट अगेन टू सेटल डाउन इन न्यू प्लेस हाउ टू अकोमोडेट वंस ओन विद द अदर्स बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमिग्रेशन देन सिविल राइट्स एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बास जगहों पर अफ़रा को उनके बुनियादी हकूक नहीं दिए जाते और फिर उन उसकी नतीजे के तौर पर इसकी बुनियादी वजह बाज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी होती है मसल हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर के मुल्कों में उनको कलर की बेस पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है बाज़ात जो अफ्रीकन्स हैं ड्यू टू देयर कलर दे ऑल्सो फेस सम सीरियस सर्टन चैलेंजेस तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से माशरे के अंदर सोशल तो चेंज ये कॉज करते हैं ये सारे जो मिसाइल होते हैं फिर जेंडर इनक्वालीज बहुत सारे दुनिया के अंदर हिस्से ऐसे हैं ग्राफिकली जहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनक्वेलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू वीमेन फीमेल के लिए जेंडर इनकीलिटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जैसे आज भी हम कह सकते हैं अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं हमारे हमसाए में भारत की मिसाल है जहाँ पर ख़वा के हकूक के मामले में बहुत सारी दुनिया के अंदर आवाज़ें उठती रहती हैं देन हेल्थ केयर अवेलेबलिटी का मसला है एजुकेशन है ये बुनियादी तौर पर जिंदगी की वो बुनियादी सहूलतें होती हैं जो हर फर्द को चाहिए और अगर ये सहूलतें हासिल नहीं हैं डेफिनेटली दे कैन कॉज अ सोशल रेजिटेंस सोशल जस्टिस एंड पुअर लीडरशिप अगर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो अपने लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती और अगर सोशल जस्टिस नहीं है यानी देयर आर नो नॉट इक्वल ओपरचुनिटीज़ फॉर द ऑल और इक्वल ओपरचुनिटीज़ का मतलब ये होती है, होता है कि ये नहीं है कि हर फर्द को बराबर का हिस्सा मिले नहीं ओपरचुनिटीज़ अगर हैं और फिर अगर लोग कोशिश करके अपने लिए मौके पैदा कर लें और मेहनत से वो अपने लिए फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लें तो दैन डेफिनेटली इट मीन्स दैट पीपल आर सेटिस्फाइड विद देयर सेटअप